इस पे सोशलाइजिंग पर मैंने एक टॉपिक लिया कि कितना हम लोग लोगों से मिले, बात बात करें या ना करें, कितना लोगों के घर में जाएं आए ना आए जाए, तो थोड़ा बताएंगे कि मतलब हाउ इम्पॉर्टेंट सोशलाइजिंग इज और हाउ अनइम्पॉर्टेंट सोशलाइजिंग इज। ये तो दो अलग चीज़ें हैं, दोनों पर बताइए। अलग चीज़ें हैं, हर चीज़ के नेगेटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव बताइए दोनों की प्लस एंड माइनस। में यह है कि आप मिलते हैं सोशलाइजिंग कर रहे हैं, लेकिन वो सोशलाइजिंग में आप क्या काम कर रहे हैं, वो दैट इज़ कि भी आपने बैठ के और इधर उधर की बुराइयाँ कर रही हैं, तो वो तो फिर आपका नेगेटिव आ गया। लेकिन अगर आप उसके लिए कुछ चीज़ कर रहे हैं तो अब माइंड रिलैक्सेशन तो है ही है, देखिए 4 दिन मिलते हैं रिलैक्सेशन तो नहीं है क्योंकि आप अकेले रह के थोड़ा सा आदमी बन जाता है, या तो आप कोई एक्टिविटी अपने घर में कर रहे हैं खेले हैं, इट्स ऑल राइट। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि भी उसको किस चीज़ में अच्छा लगता है। कोई है वो मिलके जो चीज़ें बातें जनरल बात करिए और उसको उसके अच्छा लगता है, जैसे किसी से भी मिली अक्सर से, जैसे आप मित्रवाणी होती है, हम लोगों ने ग्रुप बनाया तो मित्रवाणी मिले भजन करिए। अमृतवाणी में वो है राम की वो पूरी होता है 1 घंटे की वाणी, उसका जिसे राम शरणम वाला था जो आप राम शरणम देखे उसे, तो ये राम के ऊपर वो अमृतवाणी। उससे मतलब आपको क्या मैसेज मिलता है? मैसेज यही मिलता है कि आप महेश्वरी भगवान के नाम का ले ही रहे हैं और फिर महेश्वरी मंत्र माइंड। भगवान का जो नाम आप लेते हैं तो उससे मतलब यू फील कि हम डिविनिटी की तरफ जाते हैं, है? वो तो देखिए आप उसको किस तरह से ले जा रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे तो भजन वजन करें और कथा कर गया तो दैट इज अच्छी अच्छा इशू, लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव वाइब में ले जाते हैं। आप लोग किस किस वाइब में ले जाते हैं, आप जो लेडीज़ में इकट्ठी होती है? मेरा तो मेन क्रक्स ये है कि जो लेडीज़ का तो यहाँ पर है जो भी हिसाब किताब है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कितना पढ़ाई करी? ग्रेजुएशन ऑनर्स सिंपल। आपने जॉब करी? हाँ मैं स्कूल में पढ़ाती थी। अच्छा अच्छा, मैंने नहीं पता था। कितने साल? कई साल का। और जो लोग ज़्यादातर लेडीज मतलब आज शुरू से ये था कि भी लेडीज़ का काम है टूरल रान हो, ठीक है, वो भी काम। आप ये बताइए कि जॉब इस सब घर के काम के ऊपर जो जॉब है वो कितना इम्पोर्टेंट है लोगों की ज़िंदगी में, या मतलब है? देखिए उसमें है ना, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपकी फैमिली वालों को कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है तो दैन तो इट्स ऑल राइट। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली को दाव पे लगा रहे हैं, उसमें रोज़ रोज़ की चिक हो रही है, चिक हो रही है, तो ऐसी जॉब को कोई। अच्छा, एक तो ये आया आस्पेक्ट हुआ नौकरी का, दूसरा आस्पेक्ट ये हुआ कि देयर आर मैनी पीपल जो जॉब में होते हैं लेकिन वो कुछ और अच्छा करने के लिए उस पुराने जॉब को छोड़ देते हैं, ठीक है ना? तो आप उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? बट अब आप तो आपकी पुरानी नौकरी छोड़ेंगे तो दूसरा जब छोड़ करेंगे तो उसमें टाइम तो लगेगा, है ना? एकदम से थोड़ी ना कि आप एकदम से भाग लें कि आप समाज को बताओगे कि जी मैं तो यहाँ से छोड़ के आप पहुँच गई, अब मेरी ऊँचाई है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मतलब इतने हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जिन्होंने अपनी नौकरियाँ छोड़ कर दे हैव डन देयर ओन बिजनेस, दे हैव डन सम वर्क फॉर द सोसाइटी। आपको बोला है जैसे जिम जाते हैं गोल्ड जिम जाते हैं तो वहाँ उसका जो मालिक है तो उसने क्या कराया, उसने अभी जो सो स्वेटर इकट्ठे करे तो ये अर्थ फाउंडेशन करते हैं। हाँ हाँ हाँ, खरीदा जाता है एक मैन रखे ओल्ड एज और उसमें मालूम है आपको कौन लोग हैं, कोई रिटायर्ड जज है, कोई बहुत बड़े बड़े, वो उनको केयर कर रहा है तो ये उसको उसकी खुशी है ना। देखो हर कोई उस चीज़ को नहीं कर सकता, उसको उसमें खुशी मिलती है कि भाई चलो मैं कुछ कर रहा हूँ। दूसरा आप जो कह रही हैं ना सर्विस छोड़ के और लोग उसमें लगते हैं, तो आदमी ये सोचता है, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई हम सर्विस छोड़ के अब जो भगवान
सोसाइटी से काफ़ी कुछ लिया है, तो हमारा भी टाइम है गिफ्ट है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से दें, कौन सा आप करके क्या चीज़ है ये आपकी खुशी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी, अब उसमें बताते हैं वो जो रिटायर्ड जज है, उसके पास प्रॉपर्टी थी, उसके बेटे ने साल भर 1.5 साल तक उसको कमरे पर बेटा तू जज तो कहता हमें उस तो मेंटल बेटा है, उसको लेके आया उसने दवाइयों से उसको ठीक किया। अब कहती हम लोगों ने क्या कर रखा है कि हर उसमें 100 रुपये उसके जो एक सिटिंग होती है उसमें से 100 रुपये उसके लिए हो जाएगा, तो उसकी दवाई है ले आया सारा। एक और जो पॉइंट मेरे दिमाग में है कि मैं बहुत सर्वे कर रही हूँ, मैं आई एम ट्रेवलिंग एंड आई एम डूइंग लॉट ऑफ वर्क इन द वर्ल्ड। अब जैसे ये मिशन अत्री है, अत्री आर्मी बैकग्राउंड है, हस्बैंड उसके आर्मी में थे, तो अभी उन्होंने छोड़ दिया है, मतलब रिटायर हो चुके हैं। अब ये कुछ लेडीज़ मिलके इन्होंने जो बच्चे गाँव में इन्होंने पाँच कहते कि मिसेज गुप्ता हमने 500 रुपये हर एक को लेके इस तरह से स्कूल, पहले हमारे पास 5 थे उससे अब 4 स्कूल कर, तो वो सारे बच्चे कौन हैं बच्चे जिसके पास। कल वो कह रहे थे कि वो मोटरसाइकिल चला रहे थे लड़के लड़के जा कर, तो वो उन्होंने देखा और उन्होंने तब तक पैसे निकाल दिए कि आपको अच्छे पैसे। तो ये सब चीज़ें हैं जो सोशल वर्क है, ये जो ये सब बहुत अच्छी बातें दिखाई देती हैं। मेरे तो रिसर्च एक तो इस पर हो चुकी है, क्योंकि इन माई व्यू मुझे थोड़ा बहुत जो मैं देख पाई हूँ, भाई देख इतनी गहराई से तो देख नहीं सकते ना, तो कहीं ना कहीं कॉमर्शियल मोटिव है सब लोग। तो अब ये बताओ हर चीज़ हर उसमें आप है। ये बताओ कि क्या मतलब ये नहीं है कि हर ही लोग कमर्शियल कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से ऐसा ऐसे कुछ लोग आए हैं आपके एग्जाम्पल में कि जो प्योरली सोशल एंड गिविंग वर्क कर रहे हो, अपने ही पैसे से अपने ही इनकम से अपनी ही प्रॉपर्टी से ऐसा कुछ सामने आए, और जिन्होंने फंड रेजिंग ना करी हो दूसरों से पैसे लाए, ऐसा कुछ आप नहीं आया आपके दिमाग में? आप आपके एग्जाम्पल में ऐसा नहीं आया? तो मैं एक बात ये जानना चाहती थी कि आप लोग आप और मैं भी आप में शामिल हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो नॉट डूइंग जॉब। तो अगर हम सब लेडीज मिलकर है तो ऐसा काम करें कि हम सुबह रोज घूमते हैं, ठीक है, शाम को रोज घूमते हैं, हेल्थ की ये हमारी हेल्थ अच्छी रहे फिजिकली एंड आप तो मैंने देखा आप रिग्रेस योगा करते हो, तो तो अगर हम जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका बहुत अच्छा बॉडी एंड माइंड है, आई डोंट नो यू नो इट बेटर, अगर हम सब इस अच्छे दिमाग का और अच्छे शरीर का उपयोग ऐसे अच्छे काम में करें तो मैं तुम्हें तो आप देंगी ना? बिल्कुल आप करिए स्टार्ट। पहले यही मैं जानना चाह रही थी कि मैं देखिए मैं अपनी तो कह सकती हूँ, क्योंकि जनरली जो लेडीज घूमती हैं वो थोड़ा सा इजी गो टाइप है, वो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो, तो इजी गो टाइप। अच्छा, ओके, तो मैं सबका नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि वो अपना लिया अमृतवाड़ी कर ली, अपनी इधर पार्टी कर ली, जिसको ओके, लेकिन मैं कह सकती हूँ मैं कर सकती हूँ। अच्छा, नहीं मेरी यही इच्छा थी जानने की, मतलब आप मैं तो अभी थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, तो मैं तो ड्राइवर रखना है, तो मैं ये सोच ही रही थी कि कुछ ना कुछ हेल्प स्टार्ट समथिंग कर लो इस तरह का, क्योंकि रस्ते से खाली बैठ के भी अपना टाइम मंगवाने पैसा दे रखा है। वही मैं सुनती पैसा की कमी नहीं है किसी के पास भी, ना हमारे पास ना आपके पास, तो अगर इसका उपयोग हम कुछ ऐसे कॉज में करें। कुछ भगवान ने अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही दे दिया है, आने वाला है थोड़े दिनों में 12 करोड़ रुपए आ जाएंगे, तो यही सोची थी मैंने, तो शायद भगवान ने इसीलिए दिए हैं। प्रॉपर्टी सेल हो रही है? हमारी प्रॉपर्टी तो थी, जमीन थी ना हमारी काफ़ी, तो केसेस चल ही रहे थे, उन्होंने पहले तो दे दिए थे, फिर अब दोबारा हमने हाई कोर्ट में करे थे, अच्छा से हमें वो मिला है। अच्छा, तो वो इसलिए तो मैंने करवाना है, तो ये मैं और ये दोनों यही सोच रहे थे। किस तरह से यूटिलाइज करेंगे उसको, मतलब वही हमें थोड़ा सा, कैन यू बाय ए प्लॉट फॉर सम स्कूल हॉस्पिटल? दो प्लॉट अब तो ये सब है कि अपना करा के और उसको किसी तरह से लोगों की कैसे करेंगे? अब जैसे अभी इसकी बिटिया की शादी थी, दोनों बेटियों की शादी हुई थी अभी मेरी मेट की। अच्छा, मैंने उसको 1.5 लाख रुपये दे दिए। अच्छा, मैंने कहा कि तू उसके अच्छा जी उसके सारा जो भी तू खरीदना चाहती है। अच्छा, 1.5 लाख दोनों को? नहीं, दोनों के लिए 1.5 लाख। अच्छा, तो मैंने इसको दिए, बहुत अच्छा इंडिविजुअली दे देना,
कि भाई अब तू अपना तेरा जो उसको तूने करना है तुम्हें संभाल, क्योंकि इसका हस्बैंड नहीं है बेटी के मतलब करना था। अच्छा आप इस बात का बुरा तो नहीं मानती जैसे मैं आपसे कभी चुप रहती हूँ और मेरी तो आदत ही नहीं क्योंकि मेरे को मैं इतनी लॉस होती हूँ कई बार मेरे को पता ही नहीं चलता कि इन बातों में कोई रहती हूँ गीता से आपने मैसेज क्या लिया है? मैसेज यही है कि सेवा कर और अपने पल्ले में कुछ ना रख, कर्म उसमें बेस्ट क्रिया उसकी है। वो यही कहता है, वो उसमें एक वर्ड और इसमें एक लाइन और लिखी हुई कर्म है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। वो तो खैर है ही है गीता का सार, ऐसे ये तो गलत लग रहा है ये तो मुझे नहीं वही तो है। अब उसमें एक चीज लिखी हुई थी कि भाई आप अपने बच्चों को पाल के उसके बड़ा करते हैं, फिर ये सोचते हैं कि बड़े हो गए वो आपकी सेवा करेगा, आपने उस समय ही खत्म कर दिया सब कुछ। आपका माइंड जहाँ इस पे चला गया, आ गया इस चीज में चला गया, तो आपने सब कुछ अपना जीरो कर दिया। अब ये तो देखिए आपके ऊपर है कि आप उसको पढ़ के कितना अपने जीवन में लागू करते हैं। उसमें एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि हर एक बच्चा माँ का वूम अपने आप चुनता है। वो आपके पेट में अगर आता है तो वो कुछ ना कुछ अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए आता है, तो वो उस पर लिखा हुआ है गीता के अंदर। आप पढ़िए उसको, बीच में आप पढ़ती होंगी। मैंने गीता महावर पता है किस उम्र में हमने पढ़ ली थी, बिलीव इट। हमारे जो फादर थे अब भी हैं, वो प्रोफेसर ही रहे हैं ना, हम चार बच्चे थे, नहा के नहाने के बाद जब से हमको 6-7 साल की उम्र थी सबको वो बिछा के ना प्रॉपर हमको गीता और रामायण हम पढ़ चुके हैं।